हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामनी गुप्ता एक बार फिर आप लोगों का यूसीपी कोचिंग में ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम करती हूँ। तो आप लोग कैसे हैं? सब ठीक है? कोरोना वायरस तो नहीं हो गया ना? किसी को घर में है, सेफ है? चलिए, बिल्कुल भी घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूसीपी क्लासेस आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस घर में ही प्रोवाइड करवा रही है। तो फिर सेफ रहिए और क्लासेस लेते रहिए और लाइक बटन पर प्रेस करते जाइए जल्दी जल्दी से। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लासेस। चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ने के बाद आज टेंस का हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टेंस स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा? यहाँ पे आज आते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। जैसे मैंने आप लोगों को, एज यू नो दैट, कि जैसा मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कैसे आपके सेंटेंस आते हैं, कौन सी ऐसी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है, और कैसे पता चलेगा कि इस सेंटेंस में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर लगाना है। फर्स्टली तो क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। प्रेजेंट मतलब आपका वर्तमान समय, अभी जो चल रहा है, जहाँ पे आप लोग अपने अपने घर में बैठे हुए चाय पीते हुए इंग्लिश की क्लासेस देख रहे हैं, कंटिन्यूसली आपने बहुत सारे काम करते जा रहे हैं, व्हाट्सएप भी चलाते जा रहे हैं और क्लासेस भी लेते जा रहे हैं। हाँ, तो वही कंटिन्यू आपके काम चल रहे हैं, और ये आपका कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार कंटिन्यू आपका काम चल रहा है। प्रेजेंट टाइम पे कंटिन्यू आपका जितने भी आपके काम चल रहे हैं वो सारी चीज़ें आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आने वाली हैं। तो पहले हमने जैसे ही स्ट्रक्चर और यूजेस देखे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसी तरह हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ने के लिए। चलिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सबसे पहले हम सेंटेंस आप समझ चुके हैं किस सेंटेंस में लगाना है, सिचुएशन देख लिया है, कुछ यूजेस देख लेते हैं। फर्स्ट तो आपने अभी अभी जो पढ़ा है यहाँ पे, क्या प्रेजेंट टाइम पर लगातार कंटिन्यू चलने वाले सभी प्रकार के कामों को किस टेंस में रखना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। अभी आप जितने जितने सारे काम कर रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं आपके, सब सारे आपको अगर ट्रांसलेशन करना हो तो किस में रखेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के स्ट्रक्चर में रखेंगे। फिर आपका नेक्स्ट यूजेस क्या है यहाँ पे? फ्यूचर की, देखिए अभी आप बैठे हैं और सोचते रहते हैं, तो फ्यूचर की जो आने वाली आप प्लानिंग करते रहते हैं और अभी सोचते हुए कंटिन्यू, तो उन प्लानिंग को भी आपने देखा होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही रखते हैं उसको। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, लेकिन मैं आज, मैंने ये सेंटेंस सोचा है और बोला है, लेकिन फ्यूचर की मैंने प्लानिंग की है, तो इस सेंटेंस को भी किस में रखा मैंने? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में रखा। देन इसके बाद यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है? अब देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर पता है आपको, लेकिन कभी कभी सेंटेंस आ जाते हैं और सेंटेंस में आपको ऐसा कौन सा कीवर्ड मिले, जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा था ना कि टुडे है ना, टुडे ऐसे सेंटेंस मिले थे आपको, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिले थे जिसको आप देखते ही उसको किस में रख रहे थे? आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में रख रहे थे। उसी तरह इसमें भी, कॉन्टिन्यूस में भी क्या मिला आपको? ये देखिए, ये नाउ अ डेज, अगर सेंटेंस में नाउ अ डेज मिल जाता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अगर आपको मिल जाता है दीज डेज, अगर दीज डेज मिल जाता है तो ये भी सेंटेंस इसमें होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, एट प्रेजेंट टाइम। ये ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जिसको आपको अब कॉन्स्टेंटली लगातार निरंतर, अब देखिए ये वर्ड ही अपने आप में ही आपको पढ़कर ही लगेगा कि इसमें सेंटेंस किस में होना चाहिए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, क्योंकि निरंतर आपका लगातार कोई भी ऐसा काम चल रहा है तो वो सारी चीज़ें आपके कंटिन्यूसली में, कॉन्टिन्यूस टेंस में आनी चाहिए। एट द मोमेंट मतलब इसी टाइम। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स को देखकर आप समझ जाते हैं कि इस टेंस को किस में होना चाहिए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में होनी चाहिए। तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के यूजेस देख लिए कि ऐसे ऐसे इस प्लेस पे, इस सिचुएशन में क्या करना है आपको? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करना है। अब हम मेनली किस में आते हैं? स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर तो पता नहीं होगा तो यूज़ कैसे कर पाएंगे आप लोग? तो चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर में क्या होने वाला है। लेट्स बी स्टार्ट स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूस के। स्ट्रक्चर में आप लोगों ने इनडेफिनेट में देखा था कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब ये समझ गए होंगे आप लोग। और वर्ब भी आप लोगों को समझ में आ गई है। अब देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि जितने भी आपके टाइम चेंज होते जाएंगे, आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में चेंजेस आते रहेंगे। अगर आपको पूरा जब भी टेंस का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग एक शॉर्ट नोट्स में आपको एक ही स्ट्रक्चर दूंगी, उसमें सिर्फ आपकी वर्ब चेंज होंगी। अगर आप लोग वर्ब याद कर लेते हैं कि कौन से टाइम और कौन से टेंस में कौन सी वर्ब लगती है, तो आप लोगों के लिए टेंस काफ़ी इजी हो जाएगा। इजीली आप ये पहचान पाएंगे कि कौन सा टेंस में कौन सी आपकी वर्ब है और कहाँ पे आपको मिस्टेक आ रही है। चलिए तो आप लोगों का स्ट्रक्चर देखते हैं। अब मैंने आप लोगों को सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट बताए थे। अब सभी जितने भी आपके टेंस चेंज होंगे सब में आपको वर्ब लगानी होंगी। तो अब देखिए, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट होता है आई, मैंने बताया आई के लिए आपको डेफिनेट नहीं रखना है कि ये सिंगुलर है ये प्लूरल है, क्योंकि आई एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग टेंस के अकॉर्डिंग इसकी हेल्पिंग वर्ब कभी सिंगुलर वाली लग जाती है और कभी इसके साथ प्लूरल वाली लग जाती है। तो एग्जैक्ट आपको ये याद नहीं रखना है कि सिंगुलर के सिंगुलर आई सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ ये वर्ब लगती है। आई के लिए आप लोग अलग याद रखिएगा कि आई के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कौन सी वर्ब लगनी है, हेल्पिंग एम। और यहां पे सिंगुलर नाउन ही सी इट एनी नेम, ये सारे आपके क्या हो गए, सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या लगनी है इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, इसका यूज करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। नेक्स्ट आप लोग, ये है प्लूरल नाउन, जितने भी प्लूरल नाउन है इनके साथ दे यू वी, ये सारे आ गए प्लूरल आपके सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आपकी लगेगी, आर, आर का यूज़ करना है। अब हम आते हैं अपने स्ट्रक्चर में, हेल्पिंग वर्ब आपने देख लिया, स्ट्रक्चर में आते हैं आप लोग। यहाँ पे ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस जितने भी होते हैं, सिंपल सेंटेंस इसे कहते हैं। तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, अभी आपने पढ़ा, देखिए तीनों अलग अलग कैटेगरी पढ़ ली, कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगानी है। यहाँ पे स्ट्रक्चर में एक साथ देख लेते हैं, इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। देखिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म मैंने आपको बताया है कि क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, तो यहाँ पे लगाया आई एन जी फॉर्म। और ये हुआ अदर आगे आपका ऑब्जेक्ट, ये किसके लिए हो गया, सिंपल सेंटेंस के लिए हो गया। अब आपको क्या करना है कि सेंटेंस लेने हैं, कौन से सेंटेंस, इसके पहले आपने यूजेस पढ़ लिए हैं कि किस सिचुएशन के सेंटेंस लेने हैं, किस सिचुएशन के, अभी कंटिन्यू प्रेजेंट में आप जितने भी काम कर रहे हैं उन काम को आप लिखेंगे। अगर आपकी सपोज इंग्लिश बहुत वीक है तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कह रही हूँ, जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश वीक है, जिनसे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, उनके लिए है ये काम कि आपको बहुत सारे हिंदी के सेंटेंस लिखने हैं। और अभी जो कंटिन्यू आप लगातार काम कर रहे हैं उन सेंटेंस को लिखना है और उन्हें इन स्ट्रक्चर में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में लिखना है। और बहुत सारे सेंटेंस आप लोग कमेंट में आप लोग करके दिखाइए कि आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं, एक दो सेंटेंस राइट करिए उसका ट्रांसलेट करके दिखाइए। मैं आपको ट्रांसलेशन में ज़्यादा जोर दे रही हूँ, ज़्यादा एम्फसाइज कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को ट्रांसलेशन अच्छे से आना चाहिए, तभी आप कोई भी एग्ज़ाम इंग्लिश का क्रैक कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इज एम आर प्लस आपका वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट, सेंटेंस कैसे बनाएंगे। यहाँ पे अभी सबसे फर्स्टली आप लोग क्या काम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे, कंटिन्यू कौन सा काम चल रहा है आपका, इंग्लिश क्लासेस का वीडियो देखने का आपका काम क्या है, कंटिन्यू आपका लगातार चल रहा है, तो इसलिए मैंने सेंटेंस बना दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे मतलब आप हैं, आप क्या कर रहे हैं, इंग्लिश क्लासेस का वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, आई के साथ मैंने बताया कि एम लगता है तो लगा दिया यहाँ पे एम, आई एम वॉचिंग। अब देखिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या थी, वॉच, और वॉच में लगा दिया मैंने आई एन जी, तो ये हो गया वॉचिंग, वॉचिंग इंग्लिश क्लासेस, इंग्लिश क्लास वीडियो, तो ये हो गया आपका अदर आपका ऑब्जेक्ट। इसी तरह से आपको लेना है सेंटेंस और उसका करना है ट्रांसलेशन, जिससे आप लोग सेंटेंस इम्प्रूवमेंट सीखेंगे।
इसके बाद आपका, अब देखिए मेनली आपको 3 सेंटेंस 3 टाइप के यहाँ पे मैंने सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं और स्पेशली एग्ज़ाम में ऐसे ही सेंटेंस आते हैं तो इनका स्ट्रक्चर देखना आपको ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ पे देख लीजिए। तो ये लिखा है नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस में आपको पता है सेंटेंस कैसे बनाते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिखा दिया है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है आपको, नॉट। ये आया आपकी हेल्पिंग वर्ब और ये नॉट, तो ये बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब ये क्या देगा, नेगेटिव सेंस देगा आपका। तो यहाँ पे सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट टाइम पे आप कौन से काम नहीं कर रहे हैं उसे बनाना है इसमें। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, मैं समझ रही हूँ कि काफ़ी कंसंट्रेट करके आप लोग अच्छे से अपने स्टडी कर रहे हैं और सारी यहाँ वहाँ की चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं। कोई आपको बर्थडे पार्टी वगैरह में बुला रहा है तो आप नहीं जा रहे हैं, भाई मेरी जेल पहरे का एग्ज़ाम है मुझे नहीं जाना है ना, मैं क्या कर रहा हूँ अपनी स्टडी कर रहा हूँ, तो आप मना कर रहे हैं उसे। सपोज़ आपको इंग्लिश में बोल रहे हैं, क्या करेंगे ट्रांसलेशन करेंगे, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटेंस हो गया आपका आई एम नॉट अटेंडिंग योर बर्थडे पार्टी, मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आप, आई एम नॉट अटेंडिंग योर बर्थडे पार्टी। चलिए इसी टाइप के सेंटेंस बनाते जाइएगा और हाँ लाइक बटन में जल्दी से प्रेस करते जाइए, भूलिएगा नहीं, लाइक करते जाइए, वीडियो को देखते जाइए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब आपके आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन भी तो पूछेंगे क्या तुम ये कर रहे हो, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं ना कि तुम ये कर रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम ये क्यों कर रहे हो, है ना, ऐसा क्वेश्चन आप लोग पूछते रहते हैं। तो आप लोगों से इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन पूछे होंगे, अब याद आ गया होगा आप लोगों को जब लॉकडाउन में आप लोग घर के अंदर बैठे थे, है ना, तो बहुत सारे लोग चले वो फॉलो करें या ना करें लेकिन आपसे ज़रूर पूछा होगा उन्होंने कि तुम ये लॉकडाउन के रूल फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा और सपोज़ आपने क्वेश्चन पूछा तो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, पता है ना आप लोगों को इंटरोगेटिव में क्या होता है कि आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। तो यहाँ पे सब इज एम आर प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट बन गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आर यू फॉलोइंग लॉकडाउन रूल्स, क्या तुम लॉकडाउन रूल्स फॉलो कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ लिया आपने। चलिए तो स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है, नेक्स्ट हम और भी यूजर्स देखते हैं। स्टूडेंट हम स्ट्रक्चर एंड एग्जांपल पढ़ने के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की कुछ ऐसा रूल्स देखते हैं जो हमेशा एग्ज़ाम में आपको परेशान कर देता है और आप समझ नहीं पाते कि कहाँ पे आपसे मिस्टेक हो गई है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ आपको लाइफ में आप लोग बहुत सारे ऐसे वर्ब का यूज़ करते हैं, स्पेशली ये जो मैंने यहाँ पे वर्ब लिखी है इन वर्ब का यूज़ क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बिल्कुल भी नहीं होता है। इन वर्ब का यूज़ कहाँ पे होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मोस्टली होता है इनका यूज़। तो कभी भी आप लोग इन वर्ब को अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगा हुआ है तो समझिएगा कि वो पार्ट बिल्कुल भी गलत लिखा हुआ है, भले आप कन्वर्सेशन में कुछ भी बात करते रहें वो अलग बात है, ठीक है। तो अब यही वर्ब क्यों चुनी गई हैं, ये रीज़न है कि ये जो सारी वर्ब हैं हमारे मेंटल वर्क को बताती हैं, हमारे मेंटली जो हम वर्क करते हैं, मेंटल हम जो सोचते हैं, हमारे जो सेंस ऑर्गेन है वो जो काम करते हैं, तो इन सभी वर्ब को जो हमारी मेंटल एक्सरसाइज है उन सभी वर्ब को प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा गया, कॉन्टिन्यूस में नहीं रखा गया है, इनको कंटिन्यू लगातार ऐसा काम के लिए इनका यूज़ नहीं किया गया है। तो इनको बस इतना याद रखिएगा कि इन वर्ब को रट लीजिए और इन वर्ब का यूज़ बिल्कुल भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करना है। देखिए कौन कौन सी वर्ब है एक बार चेक करते हैं, फील, देखिए आप देखिएगा सेंस ऑर्गन से रिलेटेड ये वर्ब है फील, महसूस करना, फील, टेस्ट, सी, हियर, स्मेल, लाइक। अब ये देखिए पूरा जो आपकी मेंटली जो आपकी प्रोसेस होती है उन सब से रिलेटेड है, लाइक, लव, हेट, आपने सुना है लविंग, हेटिंग,
लेकिन कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका यूज़ नहीं करना है। कभी कभी आप लोगों ने सेंटेंस को देखा होगा, लविंग हेटिंग लिखा होता है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन होती है। हम कभी कभी वर्ब का आईएनजी फॉर्म एज ए सब्जेक्ट नाउन की तरह यूज़ करते हैं, तभी हम इनको यूज़ कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस में नहीं है, लेकिन वो कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, वो एज अ नाउन यूज़ हो रहा है। फिर आगे यहाँ पे रिकॉग्नाइज, पहचानना, यहाँ पे वॉन्ट, अपीयर, प्रतीत होना, प्रेफर, होप, ट्रस्ट, विश्वास, करना, फॉरगेट, भूल जाना, नोटिस, नोटिसिंग आप लोगों ने नहीं देखा होगा, ट्रस्टिंग नहीं देखा होगा, हमेशा इनका यूज़ इंडेफिनिट में होता है। इग्नोर, सपोज, रिफ्यूज, डिज़ायर, एग्री, कंसिडर, सेम, प्रतीत होना, बिलोंग, विस, थिंक, ऐसे बहुत सारी वर्ब हैं। आप लोग समझ चुके होंगे जो आपके सेंस ऑर्गन और मेंटली वर्क प्रोसेस को आपकी शो करती हैं, उन सभी वर्ब को कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं करना है। अब चलिए थोड़ा सा एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अपियरिंग दैट सी हैज़ कन्फ्यूज्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो कन्फ्यूज्ड हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे अब सब सेंटेंस सही है, मीन्स जो निकल रहा वो भी सही है, लेकिन गड़बड़ क्या है यहाँ पे, आपको ये जो वर्ब दिख गई है अपियरिंग, इसको आईएनजी फॉर्म में कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं यूज़ करना है। तो क्या करें, इसका हम क्या लिखा है, कॉन्टिन्यूअस में नहीं यूज़ करना है, इंडेफिनिट में यूज़ करना है। तो करें क्या हो जाएगा, इट अपियर्स हो जाएगा, इट अपियर्स इट के साथ वर्ब के साथ एस और यस, तो इट अपियर्स दैट सी हैज कन्फ्यूज्ड, अब सेंटेंस राइट हुआ है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, आई एम लविंग माई कंट्री, आप ऐसे ही बोलते हैं मुझे पता है, लेकिन क्या है ये गलत है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। यहाँ पे थर्ड में क्या लिखा हुआ है, आर यू हेयरिंग माई सॉन्ग, जब आपको ऐसा बोलना होता है कि क्या तुम मेरा सॉन्ग सुन रहे हो, तो ऐसे ही बोलते हैं आप लोग। तो कन्वर्सेशन में आपका मन है भाई, आप कुछ भी बोलिए, लेकिन यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करिए, क्या हो जाएगा, यू के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब डू, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डू यू हियर माई न्यू सॉन्ग, डू यू हेयर माई न्यू सॉन्ग, राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा, डू यू हेयर माई न्यू सॉन्ग। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में आया, इसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं इसी की सारी चीज़ों की, आपकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। चलिए स्टूडेंट्स, तो अभी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सारे कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर एग्जाम्पल देखने के बाद अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। जैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, वैसे ही क्वेश्चन का फॉर्मेट मैंने यहाँ पे दिया है, उन्हें सॉल्व करके हम अपने कॉन्सेप्ट को और डेवलप करते हैं। और कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगी होमवर्क के लिए, होमवर्क क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स पे देने हैं, अपना नाम राइट करेगा, नेम वहाँ पे, और नेम के साथ अपना ये आंसर राइट करेगा। चलिए देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो आप वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं और उसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इससे ये पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट जेल प्रहरी में सिलेक्शन लेने वाले हैं। जो कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं करेंगे वो, उनका पता है कि वो सिलेक्शन उनका नहीं होने वाला है ना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए, हम अपने एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑनलाइन शॉपिंग फिल इन द ब्लैंक्स इन पॉपुलैरिटी नाउ अ डेज। मैंने आपको अभी बताया कि कुछ कीवर्ड्स आपको कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में मिलेंगे, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि इस सेंटेंस को किस में रखना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, जैसे आपको इंडेफिनिट में मिला था ना, वैसे ही। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल गया है, अब देखिए ये सेंटेंस में ये वर्ड्स मिला है, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस भी होंगे जब आपको पूरा सेंटेंस आपको पढ़ना है, ध्यान से समझना है, उसकी मीनिंग को समझना है, कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे सिचुएशन या फिर ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि कौन से टेंस का स्ट्रक्चर लगाना है। यहाँ पे आपको नाउ अ डेज, इस टाइम पे, देखिए मैंने करेंटली एग्जांपल लिया था आपकी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन शॉपिंग
इन पॉपुलैरिटी नाउ डेज। इस टाइम पे क्या हो रहा है, जो आप लोग क्या है, इस टाइम पे कोरोना वायरस वाला टाइम चल रहा है। अब आप लोग चाहते हैं कि घर में बैठे बैठे आपकी सारी शॉपिंग हो जाए, आपको मार्केट नहीं जाना पड़े, है ना। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड जो है इस टाइम पे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन चेक करते हैं, हेडग्रॉन लिखा हुआ, हेडग्रॉन। तो यहाँ पे मेन हमारी वर्क आपको पता चल गई होगी कि वर्क क्या है, ग्रो, बढ़ना। तो ग्रो यहाँ पे ग्रो की आपकी तीनों फॉर्म लिखी हुई है। अब आपको स्ट्रक्चर में देखना है कॉन्टिन्यूस की कि कौन सी वर्ब लगती है। एज एम आर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग एक टाइप है शॉपिंग का, है ना। तो हमारा ऑनलाइन शॉपिंग एक टाइप हो गया, जिसके साथ हम लगाएंगे क्या, सिंगुलर है, एक ही टाइप की बात हो रही है। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, आपका जो हेल्पिंग वर्ब है क्या हो जाएगी, इज। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल में जल्दी से आपके जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें सिर्फ आपको अब फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है। एग्जाम में काफ़ी कम टाइम रहता है आपको, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। नाउ अ डेज मिल गए हैं, सेंटेंस किस में है, कॉन्टिन्यूस में है। तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि हेड कौन तो नहीं लगेगा, हेड तो अभी तक आपने पढ़ा भी नहीं है कि कौन सी टेंस की ये हेल्पिंग वर्ब है, आगे पढ़ेंगे आप लोग, लेकिन टेंस ये नहीं है, ये बात पता चल गई आपको। ग्रोज आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था, एस और यस, बट नाउ अ डेज लग गया है, और आप जानते हैं कि नाउ अ डेज कॉन्टिन्यूस में लगता है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है। देखिए ये नेक्स्ट मिल गया, इज ग्रोइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस यहाँ पे आपको इज मिल गया है, तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑनलाइन शॉपिंग इज ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी नाउ अडेज। इस टाइम पे ऑनलाइन शॉपिंग पॉपुलैरिटी जो है बढ़ रही है। और यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन हैव लगा है, हैव आपका हैज हैव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, जो अभी तक आप सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का है, जो अभी तक आपने पढ़ा नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप हैव एंड हैज लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, आपका राइट आंसर इज ग्रोइंग, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वाले एग्जांपल पे। यहाँ पे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स भी लिए हैं और आपका सेंटेंस एरर भी लिए हैं, इस टाइप के आपके सेंटेंस आने वाले हैं। चलिए यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है द स्टॉक्स ब्लैंक्स कॉन्स्टेंटली ड्यू टू लॉकडाउन। तो जो आप लोग में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो स्टॉक मार्केट में क्या लगा रहे होंगे, पैसे लगा रहे होंगे, और इस टाइम पे लॉकडाउन में घर में बैठे बैठे कई स्टूडेंट ने ये काम स्टार्ट कर दिया होगा, उनको ये एग्जांपल उनको समझ में आने वाला है। क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स, जिस ऐसी कंपनियां जिनके स्टॉक क्या हो रहे हैं, अब कंपनियां अगर लॉस में जा रही तो स्टॉक का जो क्या है, अभी कॉमर्स वालों को थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा कि उसके स्टॉक का जो रेट है कम हो रहा है। तो यहाँ पे उसी की बात की गई है कि यहाँ पे लिखा है द स्टॉक्स कॉन्स्टेंटली ड्यू टू लॉकडाउन की वजह से स्टॉक का रेट जो है क्या है, स्टॉक्स क्या है, घट रहे हैं, क्या हो रहा है, नीचे गिर रहे हैं, ड्रॉप हो रहे हैं। तो अब इसमें कौन सी वर्ब लगेगी, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ये आपको बताना है कमेंट करके, ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स पे आप इसका आंसर बताएंगे सेकेंड वाले क्वेश्चन का, ओके। यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, रवि आर कमिंग फ्रॉम इंदौर ऑन नेक्स्ट संडे, ये फ्यूचर की प्लानिंग वाला बताया जा रहा है। अभी बताया आप लोगों को कि कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ वहाँ पे भी होता है जब हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पे, अब देखिए प्लानिंग लिखी हुई है, इससे ज़्यादा मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताने वाली, ये भी आपका क्या है, होमवर्क है, आपको इसका आंसर बताना है कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट आपका जो अभी हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे वर्ड्स थे, कुछ ऐसी वर्ब्स थी, वर्ब का यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं किया जाता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इन वर्ब को यूज़ किया जाता है, अभी मैंने आपको जैसे बताया। तो इसी के अकॉर्डिंग ये आपका क्वेश्चन है सेंटेंस एरर में, जिसमें सेंटेंस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही इज़ फीलिंग्स यू आर रॉन्ग। अभी एक आपने वर्ड देखा था
जो लिस्ट मिली आपको उसमें जो फील आपका जो वर्ड है इसमें आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते, इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं लिखते हैं। ऐसे अगर ये आपकी वर्ब किसी सेंटेंस में मिलती है तो ये वर्ब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलेगी, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। और राइट करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस है, एक ये वाला सेंटेंस है और एक ये सेंटेंस है। तो ये वाला जो सेंटेंस है जहाँ पे हमें फील वर्ब मिल गई है इसको क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। उसका स्ट्रक्चर बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दीजिए। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ही फील्स यू आर रॉन्ग। क्या हो जाएगा, ही फील्स यू आर रॉन्ग। आप लोगों को कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा हो सकता है ये गलत है सही है ना, तो ऐसा नहीं। जब आप लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो कहीं भी आईएनजी लगा देते हैं, बट आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम्स के पर्पस से कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, भले ही वो आप लोगों को लग रहा हो कि गलत हो। लेकिन यहाँ पर हम जब भी बात करेंगे फील ऐसे वर्ड की तो यहाँ पर हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना पड़ेगा। राइट सेंटेंस हो गया आपका, ही फील्स यू आर रॉन्ग। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले अपने नंबर 5 वाले एग्जांपल पे, सी इज़ लुकिंग लाइक अ डॉल। ऐसे ही बात करते हैं आप लोग, ऐसे ही बोलते हैं ना जब किसी की तारीफ़ करनी होती है तो, सी इज़ लुकिंग लाइक अ डॉल, बट हम लोग वहाँ पे रॉन्ग सेंटेंस बोलते हैं एग्जाम पर्पज़ के अकॉर्डिंग। ये राइट सेंटेंस कैसे होगा, अब यहाँ पे वर्ब आपको दिख रही होगी, कौन सी वर्ब कहाँ पे किस टेंस में यूज़ करना है, तो ये भी आपका होमवर्क है। इसको भी आप क्या बताएंगे अपने कमेंट में, आप इसको राइट करके बताएंगे। तो आज के जितने भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, एग्जांपल कर लिया, एक्सरसाइज कर ली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, इन सभी को आप लोग आज यहाँ पे फिनिश करते हैं। इन सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी रफ में, अपनी नोट्स में, और जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं उसको ज़रूर से ज़रूर आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करके आपको उसके आंसर देने हैं। आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।